तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पे। तो आज मैं बना रही हूँ आलू और सेम की सब्जी, देखते हैं कैसे बनती है। गाइस आज मैं बना रही हूँ आलू और सेम की सब्जी, ये देखिए। पहले मैं तड़का लगा रही हूँ जीरा का, और नींबू भी गिर दिया, और ये मैंने लहसुन भी गिरा है। इसको हल्का सा ब्राउन करेंगे। और ये लहसुन ब्राउन हो गए हैं, और इसके साथ करेंगे दो प्याज कटे हुए बारीक। प्याज को हल्का सा भूनेंगे, और इसी साथ करेंगे हरी मिर्च तीन। ये मैंने हल्की सी चीर दिया इसको बीच से। प्याज को भूनने के बाद इसमें गिरेंगे मसाला। तो मैंने कुछ मसाले लिए हैं, ये है थोड़ी सी धनिया, एक दो चम्मच धनिया, और हल्दी, और लाल मिर्च, और ये थोड़ा सा गरम मसाला। गरम मसाला मैं थोड़ा ले रही हूँ बस। इसमें कह देंगे थोड़ा सा पानी, इसको से चलाएंगे इसको। और यहाँ मेरा प्याज भुन गया है, ये देखिए। और इसी में गिरेंगे ये मसाला। इसमें थोड़ा सा पानी और गिरेंगे, और इसको अच्छे से चलाएंगे। अब इसमें गिरेंगे टमाटर, दो टमाटर कटे हुए बारीक, वो भी इसको काटेंगे। ये हैं, ये खट्टे टमाटर हैं, इसको गिरेंगे। इसी में गिरेंगे दो टमाटर, ये दो टमाटर गिर रहे हैं। और इसी के साथ गिरेंगे नमक। नमक हम इसमें स्वाद अनुसार गिरेंगे। इसको अच्छे से चला देते हैं, और मैं इसको अभी अच्छे से ढक दूंगी ताकि इसमें टमाटर गल जाए। जब तक टमाटर गलते हैं, और जब तक हम मिट्ठू से बात कर लेते हैं। क्या है बोलो, क्या है दिक्कत, क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहा है? चिल्लाए जा रहा है। अभी आ रही ना दीदी, तो क्यों चिल्ला रहा है? तो देखते हैं टमाटर गला है या नहीं, हम बीच बीच में से इसको चेक भी करेंगे। तो अभी मेरा टमाटर नहीं गला है, क्योंकि ये खट्टे वाले हैं, इसीलिए जल्दी गलता नहीं है। ये इसको फिर से ढक देते हैं। तो गाइस मेरे टमाटर ये गल गए हैं, और इसी में हम अब सब्जी डालेंगे, आलू और सेम की। ये रही आलू और सेम की सब्जी। ये देसी वाली सेम है, तो इसको अच्छे से चलाएंगे। अभी हम इसमें पानी नहीं गिरेंगे, अभी हम इसको मसाले में भूनेंगे अच्छे से। तो उसको मैं ढक देती हूँ। बीच बीच में से हमें चेक भी करना है इसको। क्या है, क्यों
चिल्ला रहा है, फिर से चिल्ला रहा है। और जब मैं वीडियो बनाती हूँ तब तो चिल्लाता नहीं है, हैं? जब मैं तेरी वीडियो बनाने लगती हूँ जब तो तू चिल्लाता नहीं है, हैं? बोल अब क्यों नहीं बोल रहा है? मिट्टू मिट्टू जब से कर मिट्टू 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 कर रहा है। तो एक बार और फिर से चेक करेंगे। अब इसमें हम गिरेंगे पानी। तो ये हमारा सब्जियों का मसाला भून गया है अच्छे से। अब इसमें हम गिरेंगे पानी। पानी हम इसमें, हमें सब्जी थोड़ी ठीक चाहिए, मतलब थोड़ा पानी भी चाहिए, तरीदार जिसे बोलते हैं। थोड़ा सा और पानी ऐड करेंगे। और अब इसको अच्छे से ढक देते हैं। और ये पहले तो मैंने अभी तेज कर रखा है, फिर उसके बाद उबाल आने के बाद इसको कम कर देंगे गैस। ये उबाल आ गई तो इसको हम पहले गैस कम कर देंगे, थोड़ी सी मीडियम से भी कम। ये देखिए अब इसको अच्छे से पकने देंगे आलू और सेम को। दोस्तों मेरी ये सब्जी पक चुकी है और मैंने ये सब्जी बीच बीच में चेक भी करी है और ये मेरा आलू भी बढ़िया से पक चुका है। ये देखिए अब इसमें मैं डालूंगी धनिया कटी हुई बारीक है। तो ये हमारी सब्जी बन चुकी है और अब इसको हम निकाल लेते हैं कटोरी में गर्मा गर्म। निकाल लिया है और ये रोटी रख लिए हैं और ये रायता। तो ये देखिए है आज का है खाना। मिट्ठू क्यों चिल्ला रहा है, है मिट्ठू? तो दोस्तों मैंने खाना खा लिया है। तो अब आई मैं थोड़ी देर के लिए छत पे, मुझे पैर रगड़ना, अपने पैर गंदे बहुत हो रहे हैं। देखिए बड़ी बनाई है हमने कल, थोड़ा धूप लग जाए। दोस्तों ये देखिए मैंने लगाई है पालक, थोड़ी थोड़ी हो गई है, बढ़ गई है। और प्याज लगाए हैं ये कुछ। थोड़ा पैर चमका लें बढ़िया से, पैर खराब ज्यादा हो रखे। ये देखिए ब्रश मारेंगे तो पैर साफ हो जाएगा। बढ़िया से साफ कर ले, अच्छे से कोना कोना हो जाएगा साफ। बढ़िया सा हमारा पैर साफ हो गया। इसमें अब लगाएंगे थोड़ी सी क्रीम, सही रहेगा। दोस्तों ये क्रीम जो है मैंने घर पे बनाई है, मोमबत्ती है, सरसों का तेल, नारियल है, वैसलीन है और एलोवेरा जेल है। इसको बढ़िया सा पैर में लगा लेते हैं, इससे पैर हमारे सॉफ्ट हो जाएंगे। तो दोस्तों धूप भी अच्छी निकल लगी, आप 2-3 दिन से धूप बहुत अच्छी निकल गई है दिल्ली में, वरना धुंध के वजह से कुछ भी दिखाई नहीं देता था और इतना पॉल्यूशन था कि आँख में भी बहुत चुभता था।